मैम वो रिमशा की शायद लाइट ऑफ है तो वो थोड़ी देर तक आ जाती है, तो उतनी देर तक मैं अपनी स्टार्ट कर देती हूँ। असलामुअलैकुम क्लास, मैं हिना नसीर और मेरा रोल नंबर 72017 और मेरा टॉपिक है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी और टेक्निक के स्टेप्स। इसका इंट्रोडक्शन वगैरह और ये कब कब से थोड़ा सा ना इस दुनिया ऊंचा में आई बोलिए, थी आपकी वो आवाज सारी। बहुत कम आ रही है। जी मैम, इसके इंट्रोडक्शन और वो जितनी भी चीज़ें हैं वो रिमशाब भी थोड़ी देर तक आके बता देती है। बाकी जो मेरे थे वो स्टेप्स हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें इसको फॉलो करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रक्शन फ्री प्लेस होनी चाहिए। इसके लिए दो मेथड होते हैं, एक तो हम लोग जमीन पे लेट के भी कर सकते हैं, दूसरा ये कि हमारे पास एक चेयर होनी चाहिए उस पर बैठ के कर सकते हैं। एंजाइटी के लिए हमें जमीन पे लेटने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग बैठ के इसे कर सकते हैं। हमारे जो कपड़े हैं, जो लिबास है, वो हमने ढीला ढाला पहना होना चाहिए, और अगर कोई ग्लासेस या कुछ और कॉन्टेक्ट्स वगैरह वेयर किए हुए हैं तो उनको उतार दें। अगर हम लोग चेयर पे बैठे हुए हैं तो हम अपने जो बाजू हैं उन्हें चेयर की आर्म्स के ऊपर रिलैक्स करके, मतलब सुकून से उन्हें छोड़ देना ढीला सा करके, और अगर चेयर पे नहीं बैठे हुए हैं तो फिर आप लोगों ने अपनी लैप में रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले अपने जो क्लाइंट है उसको डीप ब्रीथिंग करवानी होती है। डीप ब्रीथिंग हमने उसे डायफ्रेगमेटिकली करवानी है, बैली ब्रीथिंग नहीं करवानी, हमने उसे डीप डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग करवानी है। ये डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग होती है, इसमें हम लोगों ने इनहेल करना होता है नाक के जरिए, और जब हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारा बैली बाहर को आ जाता है, और उसके बाद जब हम लोग एक्सहेल कर रहे होते हैं तो वो हम लोगों ने मुंह के जरिए करना होता है, और उससे क्या होता है कि हमारा बैली अंदर को चला जाता है। ये वैसे आप लोग अभी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लें तो ज्यादा बेटर है, इससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। पहला स्टेप मैंने डिस्कस कर दिया है कि हमने ये कैसे करना है। इसमें एक ये चीज है कि हम लोगों ने ज्यादा बेस्ट ये होता है कि हम लोग उसे फील फ्री करवा दें, कि उसकी जो आई है उसको भी क्लोज करवा दें, कि एक पुरसकून प्लेस होती है तो जब आंखें भी बंद हो जाती है तो उसे ज्यादा पीसफुल एनवायरमेंट में अच्छा फील होगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग उसे इनहेल और एक्सहेल करवाते हैं, मतलब ब्रीथिंग करवा रहे होते हैं। जब हम लोग ब्रीथिंग करवा रहे होते हैं तो उसमें जो उसके नेवल है उसकी मूवमेंट भी हो रही होती है स्पाइन की तरफ, और इसको हम लोग 3 से 5 दफा रिपीट करवाते हैं। ना, 1 मिनट अपनी स्टेप थ्री। स्क्रीन जरा क्लोज कीजिएगा, थोड़ी ओके मैम, देर के लिए इसको जरा करते हैं, 1 मिनट जी। अब शेयर करें। नहीं मैं स्टार्ट करूं? बच्चों, हिना कर रही है अभी। मैम वैसे मैम स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे मेरी रिमशा, थी। अच्छा स्टार्टिंग रिमशा जी, चलो रिमशा फिर कर लें आप। हिना ने वैसे थोड़ा सा बता दिया, हिना फिर बाद में स्टार्ट कर लेंगे जी मैम, मुझे कोई इशू नहीं है, रिमशा करे पहले। जी। रिमशा आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम रिमशा अनवर एंड टुडे माय टॉपिक रिमशा ऑफ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ऊंचा इज बोलें, आपकी आवाज एकदम बहुत ज्यादा डिम हो गई है। मैम मैम अब आ रही है जी सही? जी अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। टुडे माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। स्टार्टिंग डेफिनेशन को लेके जाओ। ना जी जी पीएमआर जो सी ये एक्सरसाइज है, ये स्ट्रेस को, एंजाइटी को, मस्कुलर टेंशन, हमारी जो मसल की कॉन्स्टिट्यूशन होती है या किसी भी मतलब इस तरह की एंजाइटी की वजह से हमारी बॉडी को। रिमशा आपकी आवाज बीच में बिल्कुल कट जाती है, आप थोड़ा पास आके बोलिए या फिर वो हैंड फ्री जो भी यूज कर रही हैं। हमारे जो से जी जी मतलब अब हम ठीक आ आ रही है रही सही, है। जी जी अब ठीक आ रही है, इसी तरह बोलिए। हमारे हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या स्ट्रेस की वजह से, किसी भी ऐसी तरह की सिचुएशन की वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में स्ट्रेस फील कर रही होती है, पेन हो रही होती है हमारी बॉडी में। तो उसकी सिचुएशन को जो है वो डील करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो सी होती है वो ये एक्सरसाइज जो सी है वो यूज़ होती है। इससे ये होता है कि हमारी इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम जो सी प्रैक्टिशनर है या कोई काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसकी जो प्रैक्टिस करवाते हैं, ये हेड टू इसके स्टेप बाय स्टेप इसके सीक्वेंस के साथ इसके करवाते हैं।
और डीप ब्रीथिंग इसमें ज्यादा यूज होती है, और इसको हेड टू जो सी है हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं मसल्स हैं उसको इसमें यूज करते हैं, ताकि जो हमारी क्या कहते हैं माइंड जो है एक तो रिलैक्स फील करे, और दूसरा ये है कि जो हमारी बॉडी पेन फील कर रही होती है हमारे मसल्स में जो स्ट्रेस होता है उसको हम कम कर सकें। ये इसको हम जो सा है वो हेड टू और फीट तक जो सा है इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है वो इसको प्रैक्टिस करवाते हैं इसकी। नेक्स्ट करना। और 10 to 20 सेकेंड जो सी है वो इसको हर मतलब ऑर्गन को या मसल को हम हम कहते हैं क्लाइंट को कि वो उसको होल्ड करके रखे, अपने सांस को जो है होल्ड करके रखे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको अपने सांस को जो है वो बाहर की तरफ लेके जाए, अपनी सांस को जो है वो रिलीज करे आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर उससे ये होता है कि जिस तरह हम अपने सांस को बाहर लेके सांस मतलब रिलीज अपनी सांस को जो है वो बाहर लेके आते हैं, तो उसके साथ साथ जो हमारी जो सिचुएशन होती है एंजाइटी की वो भी आहिस्ता आहिस्ता, हमारी पेन की जो सिचुएशन होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। तो नेक्स्ट है इसकी, ये जो सी है हेल्थ प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ज्यादा यूज होती है। हेल्थ प्रॉब्लम जिसमें सोमेटिक स्टेट होती है हमारी बॉडी की, ये जो सी होती है एंजाइटी की सिचुएशन और स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, उससे जो सा है वो उससे उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उस टाइम किसी भी मतलब इस तरह की सिचुएशन के, तो उसको डील करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये अब बहुत अरसे से जो है वो इस प्रैक्टिस मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये यूज हो रही है। और नेक्स्ट इसकी जो हिस्ट्री है वो नेक्स्ट इसकी जो हिस्ट्री है उसकी हिस्ट्री पकड़ना, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जिसने जो है इस एक्सरसाइज को डेवलप किया था, और उसने उसने इसको डेवलप किया था, और उसने आहिस्ता उसने बहुत से स्टूडेंट पे जो है वो इसको अप्लाई भी किया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ये टेक्निक है ये फिर इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आए, पॉजिटिव इफेक्ट्स उनसे वो इसके सामने आए, और फिर इस जो उनसी है थेरेपी को इसको बहुत सी थेरेपी के साथ इसको यूज़ किया गया, जिसमें CBT वगैरह है या इस तरह की जो जो भी मतलब थी टेक्निक्स थी उसके साथ थेरेपीज थी उसके साथ इसको यूज किया गया। और फिर इसका जो मेन फोकस होता है वो ब्रीथिंग पे होता है, और स्ट्रेस को मैनेज मैनेज कैसे कर सकते हैं हम लोग, और एंजाइटी को किस तरह हम कम कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसकी जो इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स वाली स्लाइड, बेनिफिट्स इसके जो हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे मतलब इसके जो है वो बेनिफिट्स जो हैं वो हैं इसके, इससे जो हमें इसके जो इससे पहले इसकी एक्सरसाइज से पहले और जो सी उसके बाद जब हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं क्लाइंट को, उसकी जो सिचुएशन है उसको हम बहुत जो सी है उसको महसूस कर सकते हैं, उसका डिफरेंस हमें नजर आता है, एक्सपीरियंस जो वो करता है जितनी वो क्या कहते हैं स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सरसाइज के साथ वो कम होती रहती है। इससे फिर इंसान जो है वो काफी रिलैक्स फील करता है, और इससे जो है टेक्निक से ज्यादा ये जो है हेल्थ कंडीशन में इसमें होती है लैक ऑफ स्लीप, अगर इनको प्रॉब्लम होती है एंजाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस या और उसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कि कीमोथेरेपी के जो उनसे वो इतने कीमोथेरेपी के दौरान इन पर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इंसान पेन फील कर रहा होता है वो उसकी ट्रीटमेंट जब हो रही होती है, तो उसकी पहली साइड पे लेकर बहुत ज्यादा पेन फील कर रहा होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा जो है वो इस एक्सरसाइज को अगर प्रैक्टिस करवाया जाए तो उनके लिए जो है वो बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल साबित हुई है। और इसकी जो है सबसे पहले इसकी हेल्थ के लिए हेल्थ पर्पस में अक्सर हमारी मतलब नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम देखें तो हमारी हम डिफरेंट सिचुएशन में एंजाइटी या इस स्ट्रेस को फेस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो सा है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इस तरह की कंडीशन होती है, तो अगर उसमें इसको प्रैक्टिस करवाया जाए तो ये इसको प्रैक्टिस करवाया जाए हमारी बॉडी
बॉडी के जो वो है मसल्स है वो काफी ज्यादा जो है इससे रिलैक्स फील करते हैं। और ये हेल्थ केयर सेटिंग में भी इसको मतलब नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम अपनी इसको शामिल करें तो ये हमारी क्या कहते हैं बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट इससे होती है हेल्थ को। वो कंडीशन जो होती है हमारी वो उससे हम इसको काफी बेटर फील करते हैं। और फिर उसके बाद स्पोर्ट के लिए और इसके बाद फिर स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट में ये होता है कि स्पोर्ट्स मैन अक्सर जो है वो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, वो भी अक्सर टेंशन एनजाइटी और स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं, तो उसके लिए भी उनका स्लीप डिस्टरबेंस का प्रॉब्लम होता है, वो उस इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी जो सी है ये एक्सरसाइज जो है अगर हम उसको प्रैक्टिस करवाया जाए तो ये बहुत ज्यादा उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित होती है। उसकी उनकी एक तो ये है कि वो रिलैक्स फील करते हैं, उनका माइंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होता है जिससे वो खेल अच्छा सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि उनकी जब वो रिलैक्स होते हैं तो जाहिर है उनकी स्लीप डिस्टर्बेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो भी काफी ज्यादा इससे जो सी होती है वो बेहतर होती है। और फिर उसके अलावा ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो उनसे कैंसर अक्सर कीमियोथेरेपी के दौरान जो उनसे वो सेल जो उनसे होते हैं ना वो उसको डेड किया जाता है, तो बॉडी जो उनसे होती है वो बहुत ज्यादा पेन में होती है उस टाइम, तो उसके लिए भी इंसान उस टाइम बहुत ज्यादा इस तरह की सिचुएशन में होता है, तो उसके लिए भी अगर इस को प्रैक्टिस जब करवाया जाए तो अगर करवाया जाए तो इंसान उसमें भी बहुत ज्यादा अगर फिर रिलैक्स फील करता है। उसके जितने भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी के तो अगर उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान कोप करना शुरू कर देता है। और एजुकेशन में भी ये होता है कि अक्सर हमें अक्सर एजुकेशन की वजह से भी में भी ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई है। इस तरह के जो इन्वायरमेंट होता है स्ट्रेस का एग्जाम्स के दौरान या अक्सर हमारी प्रेजेंटेशन हो रही होती है तो वहां पे भी अक्सर टीचर भी इसको प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सांस लें लंबे लंबे, या कुछ इस तरह के मतलब एग्जाम्स की वजह से या कुछ इस तरह की स्ट्रेस की सिचुएशन होती है तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जो उनकी है इसको अगर प्रैक्टिस करवाया जाए वहां पे डीप ब्रीथिंग को, या इसकी जो उनकी है आप आहिस्ता आहिस्ता इसको वो करेंगे अपने बॉडी को भी रिलैक्स फील करेंगे तो फिर आप जो उनकी एजुकेशन भी इसका जो है वो भी काफी इम्प्रूवमेंट होती है। रिमशद हमारी आवाज चली गई है, दोबारा से मुंह पास करो। हमारी कहाँ चल हाँ अब आ रही है, कहाँ चली जाती हैं आप? चलें मैम वो नीचे हो जाती है कोई बात नहीं, करते करते। अक्सर धुंध है तो उसमें भी हमारी इस तरह की सिचुएशन होती है मतलब कितनी आ हमारे रही, बॉडी जो है वो एग्जाम्स में। मैम अब आ रही है, अब आ रही है? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है, हाँ शायद नेट का भी प्रॉब्लम है। पॉलिश चलें ठीक प्रॉब्लम। है। हाँ तो इस जो टेक्निक को है इसके बहुत जल्दी एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट देती है ये एक्सरसाइज जो है। तो इंसान के माइंड जो है उस टाइम बहुत रिलैक्स फील कर रहा होता है, इससे बहुत रिलैक्स फील करता है। और जब और एंजाइटी को भी हम इससे कॉप कर सकते हैं। मैम बस मेरा इतना ओके रिमशा ठीक है। नेक्स्ट हिना ने बच्चों पहले ही थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया था तो हिना वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट ले रही है। जी हिना जी मैम, नेक्स्ट स्टेप 3 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब हमने डीप ब्रीथिंग कर ली है, अब हम लोगों ने मसल्स को रिलैक्स करना होता है। सबसे पहले हम लोग ढीले ढाले लिबास में बैठे हुए हैं, हमने क्या करना है कि हमने ना एक एक मसल को रिलैक्स करवाना होता है। ये नहीं कि हम फुल बॉडी के मसल्स वो ना रिलैक्स हो सकते हैं, उससे उल्टा मतलब हमारी एचआर भी ज्यादा हो जाती है। मैम मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? कि आपकी आवाज ठीक आ रही है। सबसे पहले हम लोग पाँव से स्टार्ट करते हैं, उसके मसल्स को हम लोगों ने क्या करने हैं कि जिस तरह ये मैंने हाथ भी रखा हुआ है अपने माइक का, तो ये पाँव हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हमने क्या किया, पाँव को ना जमीन की तरफ लिफ्ट करना स्टार्ट कर देना है, मसल्स को ना खींच लेना है, स्क्वीज करवा लेना है, जैसे ये किया हुआ है इस इधर। उसके बाद हम लोगों ने ना इसको वहां पे स्टे करने या समटाइम हम लोग इसे 15 सेकंड के लिए करवाते हैं, समटाइम हम इसे 30 सेकंड के लिए करवाते हैं अगर हमारा स्टेमिना डिवेलप हो गया। अगर स्टेमिना डिवेलप नहीं हुआ पेशेंट का, पेशेंट एंजाइटी बहुत ज्यादा उसे हो रही है, तो उस टाइम पे उसके मसल्स ऑलरेडी डिस्टर्ब हुए होते हैं,
उस टाइम पे हम लोग उसे सिर्फ 15 सेकंड के लिए करवाते हैं कि उसका पाँव जो है वो लिफ्ट करेगा, और हमने बिल्कुल ऐसे जैसे जमीन से हम लोग ना पाँव से कुछ उठा रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी हमारा मसल्स थोड़ा सिक्वीज होता है, उसी वाली डायरेक्शन में हम लोग ने अपने पाँव को लिफ्ट करवा के फिर उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता से छोड़ना है, और उसके बाद हम लोगों ने फिर से डीप ब्रीथिंग करवानी होती है। और ये वाले जो स्टेप्स है ना हम लोगों ने क्या करना है कि पाँव से लेके ना हमने आहिस्ता आहिस्ता सर की तरफ लेके आने होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पाँव की फिंगर्स की करवाई है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अपने कल्ब्स की करवानी है, उसके बाद हम लोगों ने थाइस की करवानी है, बटक बोन की करवानी है, उसके बाद हम लोगों ने शोल्डर और नेक की करवानी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सबको होल्ड करवाना होता है फ्यू सेकेंड्स के लिए, और देन फिर हम लोगों ने रिलीज करवा देना होता है। ये जिस तरह से इसने पाँव लिफ्ट किया था नीचे को, अब उसी तरह से इसने ऊपर को किया है, ये हाथ की भी इसने ऐसे की है, बैली की, ये सारी यहाँ पे इन्होंने शो करवाई हुई है। इस तरह से स्टेप फोर में हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोगों ने अपने इस काम को जारी रखना होता है कि ना आपकी और बात स्लो हो गई है अब। हम लोगों ने अपने इस काम को बिल्कुल जारी जी, रखना होता है, अपनी पूरी बॉडी की तरफ लेके आने होते हैं, हर हर मसल को टाइट टाइट करना होता है, फिर उसके बाद उसे रिलैक्स करवा देना होता है। और ये जितने भी मसल्स को हम लोग टाइट और रिलैक्स करते हैं उसमें लेग्स आ जाती हैं, ग्लूटस आ जाते हैं, एब्डोमेन आ जाता है, बैक बोन वगैरह आ जाती है, बैक रीजन मतलब के बटक बोन आ जाती है, हैंड्स आ जाते हैं, आर्म्स, शोल्डर, नेक और फेस, इन मसल्स को हम लोगों ने टाइट करवाना होता है और फिर रिलैक्स करवाना होता है। इनमें स्टिफनेस हो चुकी होती है ना एंजाइटी की वजह से, तो हम लोगों ने या स्ट्रेस की वजह से हम लोगों ने बस वो खत्म करवानी होती है। फोरहेड की हम लोगों ने किस तरह से करवानी है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने फोरहेड के मसल को स्क्वीज करवाना है जिस तरह से इस पिक्चर में उसने किया हुआ है, इसे हमने 15 सेकंड के लिए होल्ड करवाना है स्क्वीज करने के बाद। ये आप लोगों को अगर अभी समझ नहीं आ रही ना तो मैं एंड पे एक वीडियो डिस्प्ले कर दूंगी, उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वहां से भी देख के आप लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद हम लोगों ने फील करवाना होता है कि वो ये फाइंड आउट कर ले कि उसका जो मसल है वो टाइटर हुआ है देन टेंसर हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसके इस टेंशन को ना स्लोली रिलीज करवाना होता है। टेंशन मतलब कि जो मसल्स की टेंशन हो रही है ना उस टाइम पे हमने उस फोरहेड के अंदर से उसे रिलीज करवाना होता है। और ये रिलीज हम लोगों ने इस तरह से करवाना होता है कि हमने साथ साथ ना 30 सेकेंड्स तक या काउंटिंग करनी होती है। हम लोगों ने अपने एक एस्टिमेट, हर थेरेपिस्ट का ना अपना एस्टिमेट होता है, वो अपने लिहाज से करते हैं। मतलब ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और जो पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट हैं इनमें बड़ा डिफरेंस, और ये इन दोनों की जो थेरेपीज की प्रैक्टिस है इसमें भी बड़ा डिफरेंस है। तो ये इस लिहाज से करवाते हैं। जो हम लोग हैं हम लोग इसे मतलब अपनी पसंद से 30 सेकंड्स के लिए या काउंट डाउन करके, तो उसके साथ फिर हम लोग उसकी जो मसल स्ट्रेच किए होते हैं उनको रिलैक्स करवा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हम लोगों ने उसे ब्रीथ करवा डीप ब्रीथिंग करवानी होती है, स्लोली स्लोली ब्रीथिंग करवानी होती है। फिर उसके बाद हम लोग जा की करवाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो जा के मसल्स होते हैं ना इसको हम लोग टेंस कर लेते हैं और फिर हम लोग इसे 15 सेकंड के लिए होल्ड करवाते हैं, और उसके बाद हम लोग इसे फिर काउंटिंग करते हैं 30 सेकंड्स के लिए, और फिर हम इसे रिलैक्स करवा देते हैं। और उस टाइम पे भी हम लोगों ने ये चीज उसको फील करवा रहे होते हैं, रिलैक्सेशन की जो फीलिंग्स है उसको भी नोटिस कर रहे होते हैं, और जो ब्रीथ हो रही होती है स्लोली और इवनली हम लोग उसको भी नोटिस कर रहे होते हैं। सम टाइम कुछ पेशेंट्स का जो एचआर है ना वो काफी ज्यादा हाई हुआ होता है, तो उसकी वजह से फिर इसके साइड इफेक्ट्स भी उसके आ जाते हैं। इस तरह से हम लोग नेक और शोल्डर की करवाते हैं। जो शोल्डर के बोन होती है, जो शोल्डर बोन है हमारी बिल्कुल नेक के साथ वाली जो बोन है, अब उसका मुझे नाम नहीं सही से याद आ रहा कि उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऊपर को करवाते हैं। मतलब अपने सर की तरफ हमने उठाना होता है फुल जोर लगा के, और उससे क्या होता है कि हमारे जो मसल है ना वो स्क्वीज हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग ने इसे भी हम लोग ने होल्ड करवाना होता है, और फिर 30 सेकंड काउंट करने के बाद फिर हम लोग इसे जो है वो रिलीज करवा देते हैं। और फिर हमने यही नोटिस करनी होती है कि मतलब उसके अंदर से जो टेंशन थी मसल्स की वो किस तरह से मेल्ट हो रही है। आर्म्स और हैंड्स की भी इसी तरह से करवानी होती है। 30 सेकंड तक हम लोगों ने उसको होल्ड करना होता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है कि जो उसके हाथ की दोनों हथेलियां है ना उसको जोर से कहना होता है कि इसे जोर से बंद कर लो ना, मतलब जितने जोर से बंद होती है हम लोग उतना जोर से करवा के, तो
फिर हम लोग इसे होल्ड करवाते हैं 15 सेकंड तक, और उसके बाद हम लोग इसे 30 सेकंड तक काउंट करने के बाद रिलीज करवा देते हैं। बटक बोन की भी इसी तरह से करवाते हैं, लेग्स की भी सेम यही स्टेप्स हैं, फीट के भी। उसके बाद ये चीज़ है कि जो परफेक्ट प्रैक्टिस है ना, वही इसको भी परफेक्ट बनाती है। हम लोगों ने ये चीज़ को नोट डाउन कर लेना होता है कि जो है ना, उसे स्ट्रॉन्ग बॉडी अवेयरनेस और इंटरनल सेल्फ टॉक और पॉजिटिव थॉट्स का पता चल गया किस तरह से करना है। फिर उसके बाद हमने उसकी कॉन्शियसनेस को अटेम्प्ट करने की कोई भी मतलब उसको एक्सपेंड करने की कोई भी अटेम्प्ट नहीं करनी होती। उसकी पोजिशंस को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना होता है कि वो सही पोजिशन पर बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, उसके जो आर्म्स है जो पाम फेसिंग अप है या नहीं है, और जो ना कहाँ गई हैं आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम 1 मिनट बस। सॉरी मैम, वो मैं थोड़ा सा अंदर से मिस हो गया। जी, कोई बात नहीं है। उसके बाद पोजीशन का स्टेप हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने ब्रीथिंग पे थे, ब्रीथिंग में हम लोगों ने इनहेल और उसके मतलब डीप ब्रीथिंग करवा के उसके जो मसल्स हैं उनको किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करवाने हैं, किस तरह से उसे एक्सहेल करवाना है, उसकी टेंशन को किस तरह से रिलीज करवाना है, ये एक थेरेपिस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। और सम टाइम हम लोग ये इसे होमवर्क में भी देते हैं क्लाइंट को। तो होमवर्क में जब हम लोग देते हैं तो उससे पहले हम लोग ये श्योर कर लेते हैं कि उसकी प्रैक्टिस परफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि समटाइम प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं होती तो उसकी वजह से उसकी मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, तो फिर उसे हमें रिकमेंड करना पड़ता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास। ये कुछ टिप्स और सजेशन है। इसमें ये होता है कि जो डिस्ट्रेक्शन है ये कम से कम होनी चाहिए, और जब हम लोग उसे, ये वही बात है कि जब हम लोग उसे प्रैक्टिस करवा देते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर वो इसे कहीं भी कर सकता है, चाहे वो ट्रैफिक में बैठा हुआ है या अकेला लाइन में खड़ा है या बेड पे लेटा हुआ है, किसी भी जगह पे इसे उस टाइम पे प्रैक्टिस कर सकता है अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छी हुई हुई है। अच्छे बेस्ट यूज़ के लिए हम लोग उसे 3 to 5 मिनट, 1 दिन में 3 दफ़ा करवाते हैं, और उसमें ये होता है कि 5 मिनट के लिए वो रेगुलर बेसिस पे करेगा। और हम लोग इसे अगर सर से स्टार्ट करवाएंगे, फीट की तरफ लेके जाएंगे, तो वो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर हम लोग इसे फीट से स्टार्ट करवा रहे हैं और हेड की तरफ लेके आ रहे हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इन इंटेंसिटी और कॉन्ट्रेक्शन फेजेस को हम लोग चेंज करते रहें तो ज्यादा बेटर है। मतलब इंटेंसिटी को किस तरह से चेंज करना है कि हम लोग उसे पहले 15 सेकंड के लिए करवा रहे हैं, अब उसका स्टेमिना डिवेलप हो चुका है, आप 15 सेकंड उसकी बॉडी के साथ एडजस्ट कर चुके हैं। इस तरह से अगर उसके मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होने की स्टेज पे आ चुके हैं तो हम इससे कम डोज करवा सकते हैं, अगर नहीं है तो हम इससे ज्यादा बिल्कुल एज इट इज, जैसे मेडिकल में अगर उस वो बीमारी कवर हो रही है तो डॉक्टर्स डोज कम करवा देते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी इसकी डोज वगैरह या इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। वहाँ डोजेस होती है, यहाँ पे इंटेंसिटी होती है। डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग करवानी है हर मसल्स ग्रुप को परफॉर्म, हर मसल्स ग्रुप को रिलैक्सेशन को परफॉर्म करने के बाद। इसको हम लोग, हमें कब कब यूटिलाइज करना चाहिए, किसी भी इवेंट से पहले, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो उससे पहले, या कोई भी इवेंट अगर हम लोग इसे सपोर्ट करें तो उससे पहले हमें करना चाहिए, टेस्ट से पहले, स्टार्ट होने से पहले अगर हमें स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है तो उस टाइम पे करना चाहिए, टेस्ट के दौरान करना चाहिए, हम किसी भी टाइम इसे कर सकते हैं जब हमें एंजाइटी फील हो रही हो। और
जब हम पीएमआर की टेक्निक के साथ हमें अच्छी सी अवेयरनेस हो जाए तो हम लोग इससे बॉडी रिलैक्सेशन के लिए 3 मिनट से कम भी करवा सकते हैं, वही बात के हम लोग इससे मतलब इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। ये जो लिंक है इसे भी मैं शेयर कर देती हूँ। आप यहीं पे ओपन कर लें। जी मैम मैं वही ओपन कर रही हूँ। ये क्या एड चल रहा था वो कोई। मुझे लगा तुम लोग मूवीज देख रहे हो। चलें शहर आप भी मूवीज देख रहे हैं। देखती। अब इस वीडियो को देख के आप लोगों को काफी ज्यादा स्टेप्स जो मैंने बताए थे वो क्लियर हो गए होंगे कि ये किस तरह से करने हैं, क्योंकि बताने में थोड़ा और हो जाता है, देखने में थोड़ा और हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। जी बच्चों समझ आ गई है सबको? किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना हिना से या रिंक्षा से? यस एट्थ नो मैम ये पूछना था कि कल किसकी प्रेजेंटेशन होगी? इकरा और मरियम किधर है? इकरा और मरियम की भी आज प्रेजेंटेशन है ना? यस
यस मैम, मैंने आपको बताया था वो मेरा लैपटॉप खराब हो गया था तो स्लाइड नहीं बनी हमारे। जो स्लाइड्स आपने पहले बनाई थी या प्रेजेंटेशन से देने से एक घंटा या दो घंटे के एक दिन पहले बनानी थी? मैम उसका फॉर्मेट वगैरह पहले सेट कर लिया हुआ था, उसमें मटेरियल पुट करना था, मटेरियल भी निकाल लिया हुआ था। चलें अब आपकी और अक्सा, आप भी कल रेडी रहिएगा, आप दोनों की कल होंगी, ठीक है? ठीक है मैम। मैम हमने आपको मेल कर दी थी वैसे अपनी स्लाइड्स, और स्लाइड्स भी मिल गई हैं, असाइनमेंट भी मिल गई है, दोनों चीजें मिल गई हैं। और है ना मैम, मैं और बात कंफर्म करनी थी। जी जी कहिए कहिए। मैम ये पूछना था कि जो आपने स्लाइड्स मतलब ये सीबीटी की कराई है, हमने यही करनी है ना, हमने नोट से तो नहीं करना? नोट से भी करना है। मैंने ये कब कहा कि आपने नोट से नहीं करना? मैम मैं कंफर्म कर रही हूं आपसे। बच्चों नोट से भी करना है और स्लाइड से भी करना है, क्योंकि बहुत सी स्लाइड में चीजें ऐसी है जो कि आपके नोट्स में नहीं है, ठीक है? तो वो दोनों को ही आप देखिएगा, कोई चीज छोड़िएगा मत। आरईबीटी की कोई स्लाइड्स नहीं है आपकी, वो सिर्फ नोट्स ही है, ठीक है? फिर फैमिली थेरेपी है, फैमिली थेरेपी की स्लाइड्स है और नोट्स है। नोट्स का मैंने पेज नंबर भी बताया, मुझे पेज नंबर याद नहीं है, मैंने क्या पेज नंबर बताया था, आई थिंक 265 या 365 कुछ इस तरह से था। मैम वो तो जो ग्रीन वाली बुक है हमें उसमें से मिल जाएगा, मतलब ये चैप्टर। आप मुझे बताइए आपने फैमिली थेरेपी रखनी है या बिहेवियर थेरेपी रखनी है? मैम फैमिली थेरेपी की बात हुई थी। मैम बिहेवियर थेरेपी कर दें। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हम लोगों ने तीन थेरेपी सिलेक्ट की थी ना, आरईबीटी सिलेक्ट की थी, फिर हमने कॉग्निटिव थेरेपी यानी कि सीबीटी सिलेक्ट की थी और फैमिली थेरेपी सिलेक्ट की थी, आपको याद है? बिहेवियर थेरेपी कर दें। आरईबीटी से पहले हम लोगों ने बिहेवियर थेरेपी भी पढ़ी थी, अगर आपको कुछ याद हो, वो हम लोगों ने क्लास में पढ़ी थी जब हम यूनिवर्सिटी जाते थे। बिहेवियर थेरेपी याद है हमें। जी जी, तो मैम बिहेवियर थेरेपी कर दें। मैम बिहेवियर थेरेपी कर दें प्लीज। बच्चों मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों ने बिहेवियर थेरेपी इंक्लूड करनी है तो फिर हम फैमिली थेरेपी को स्किप कर देते हैं। यस मैम वो कह रहे हैं फैमिली को स्किप कर दें, बिहेवियर कर दें। हां जी अक्सा कर दें, हिना लोगों ने तो कह दिया, हिना ने भी कह दिया है, आयशा रियाज ने भी कह दिया है, और कौन मोना था कि करा या मरियम में से कोई बोला है। तो मैम वो जो बिहेवियर थेरेपी आप कह रही हैं उसके नोट्स आपने दिए थे हमें? जी जी बच्चों मैंने वो क्लास में पढ़ाए थे और नोट्स भी मैंने पहले ही दे दिए थे। मैम बिहेवियर थेरेपी भी पढ़ी थी सबसे पहले, फिर आरईबीटी पढ़ी थी हमने। जी 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 मैम वो दोनों नोट्स इकट्ठे ही हैं, बिहेवियर थेरेपी के और रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, दोनों के नोट्स हैं। ठीक है मैम फिर बिहेवियर थेरेपी कर लें। यस मैम। बच्चों यहां पे जितने भी लोग हैं 17 पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी कहां पे सोए हुए हैं वो भी जरा जाग जाएं। जी मैम yes, तो चलें, शहर की भी आवाज आ गई। अब और कोई, आयशा मुबीन, आमना और बाकी सब लोग किधर हैं? रिमशा, रिमशा बिहेवियर थेरेपी ऐड कर लें। यस मैम मैंने बोला है, मैं काफी देर से बोल रही हूं, मुझे नहीं पता लगा, सॉरी। और चलें जी सीआर साहब, तीन थेरेपीज है बस सिलेबस में। और कश्यप है, अलीना किधर है, और रबिया किधर है? जी बच्चों तीन थेरेपीज होंगी, पहले मैंने फैमिली थेरेपी इंक्लूड की थी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका क्या कंसेंट है? बिहेवियर ठीक है, बिहेवियर ठीक है। अब सब लोग बिहेवियर थेरेपी पे एग्री हैं? यस मैम। बीएसए को कोई इशू तो नहीं है? नो मैम। मैम क्या कहें, दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ बच्चों कि हम लोगों ने पहले तीन थेरेपीज ऐड की थी, जिसमें हम लोगों ने ऐड की थी आरईबीटी, सीबीटी और फैमिली थेरेपी। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम फैमिली थेरेपी को एक्सक्लूड करते हैं तो उसकी जगह पर हम लोग एक और थेरेपी इंक्लूड कर देते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि बिहेवियर थेरेपी इंक्लूड कर देते हैं। अगर आपको याद हो कि बिहेवियर थेरेपी हम लोगों ने पढ़ी थी जब हम लोग क्लास में थे, पहले ही पढ़ ली थी, आरईबीटी भी थोड़ी सी पढ़ ली थी, थोड़ी सी हम लोगों ने बाद में पढ़ी थी, तो वो दोनों नोट्स इकट्ठे हैं आपके पास। मैम मुझे एक और बात पूछनी थी, आरईबीटी में ना एंड पे वो डिसऑर्डर्स वाले आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में? नहीं बच्चों वो तो जस्ट आपके लिए, वो उन्होंने आप ये कह लें कि आपको एक केस की एग्जांपल दी है, इसको हम लोगों ने ट्रीट इस तरह से करना है, वो सिर्फ आपके अपने असेसमेंट और एबीसीडी मॉडल तक ही करना है ना, मतलब थेरेप्यूटिकल लाइंस तक। जी ओके मैम। अच्छा मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, बाकी सब लोग भी बोल दें कुछ। ओके मैम ठीक है, जब से आपको ठीक लगे। चले जी ठीक है, फिर आप कोई बाद में बोल लेना। कशिश आप क्या कहती हैं? कशिश तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं कहती। ओके बच्चों अब आप लोग लिख लें प्लीज, आपकी तीन थेरेपीज आपके पेपर में इंक्लूड होंगी,
बिहेवियर थेरेपी, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. ठीक है, वैसे हम लोग चार भी कर लेते तो ठीक ही था, फैमिली थेरेपी भी रख लेते. सर कैसा ने आपको सिलेबस बता दिया? कितने चैप्टर रखे हैं? मैम हीरा ने कितना हाफ बताया मुझे? दूसरों का छोटे छोटे चैप्टर है चार. हाँ जी, उनका तो मुझे पता है, उनके तो छोटे, वो मतलब बच्चों उस बुक में सारे वो पॉजिटिव में सारे छोटे छोटे ही होते हैं. और मैम हीरा ने कितने चैप्टर बताया? मैम उन्होंने दो पहले का है कि जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे, और बाकी के मैं आपको बाद में कर दूंगी, उनके भी तीन या चार होंगे. चलें जी ठीक है, फिर हम लोग अब आप सब लोग को पता है कितने चैप्टर हैं. ठीक है, तीन चैप्टर हैं, बिहेवियर थेरेपी, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? मैम सीबीटी के नोट्स नहीं थे ना दिए आपने? बच्चों सीबीटी की मैंने पूरी बुक दे दी आपको. तो कल आप लोग दोनों ग्रुप रेडी रहिएगा, हम लोग ट्राई करेंगे कि दोनों की कल हो जाए. ठीक है, ओके मैम. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज मैम. मेरे बाप को भी याद आया कि मैंने क्लास लेनी है.